आज ही काम में चलता चलता मैं मेरे खुद की 3 बीघा तो जमीन भी बेच के लगा चुकी हूँ। आज तीन परिवार मना मेरी तरफ हूँ, मैं मेरे कैंपों जो खर्चा खुद उठाए है। 23 फरवरी 2007 में लड़के की शादी, तो बिंग लाइन में लिखायो कि मेरे बेटे की बरात में वो आदमी चढ़ेगा जो को पहली रकत दान करेगा, अन्यथा मेरे घर आने को कष्ट ना करे। 114 बरातियां पहले रकत दान करियो, फिर बेटे की बरात दे। आज तक पूरा वर्ल्ड में मैंने देखने को नहीं मिलियो। और इतो ही कोनी ते गूगल के ऊपर सर्च करके देख लियो ब्लड मैन ऑफ इंडिया, थारी फोटो थारी आईडी थारो रिकॉर्ड खुले को सारो, तो मैंने बड़ी खुशी हुई बात की। और 36 साल हो गया, 36 साल में मैं लगभग मेरे जो कट्ठे भी जानो मैं साइकिल पर सफर करूँ। राम राम साहब, मैं प्रशांत और थे देख रहे हो झलको हनुमानगढ़। झलको हनुमानगढ़ पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपने यात्रा जो की है शोधानपुरा गांव में आगे रुकी है, तो साथ में एक साइकिल है देख सको थे, तो इनके बारे में बतावांगा, इनकी मिस्ट्री भी थाने दिखावांगा और बतावांगा। सब पहले थाने बता दूँ कि राजस्थान है जो अपनों दान के मामले में अगर है, चाहे वो शीश दान है, चाहे वो बलिदान है, चाहे वो रक्तदान है, कोई भी दान है, तो राजस्थान है आपका दान का नाम भी पहचाने जावे। तो आज इस शख्स आपने सागे अमर सिंह जी, तो बे अपने सागा जुड़ेगा रक्तदान का लेके। रक्तदान में वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे है, तो बातचीत करांगा बाऊ। तो झलको हनुमानगढ़ पर थारा बहुत बहुत स्वागत है अमर सिंह जी। प्रशांत जी, पहले तो आप हमारे आज घर पे पधारे, आपका और आपकी टीम का और जो आपके माध्यम से मुझे आज सुन रहा है उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। 1985 में कोई सिख समाज को व्यक्ति रोड पर तड़पण लाग रहे जखन कोई आदमी चकने की हिम्मत कौन करो, और मैं बिना चक के सिर से पहुंचायो और बिना आपको बुलेट दे के बिना जिंदगी बचाई, वो बन चुके भी बात मनो जुनून हो कि मैं सारी जिंदगी आज सेवा करूंगा मानवता के लिए। इन मोटो कोई काम हो कौन सके। तो मैं बिना सिविल हॉस्पिटल सिरसा में लेके गयो तो डॉक्टर ने बताया कि भी वो तेरे के लगे, तो मैं मन बताया भी मैं तो इन्हें जानू तक को नहीं, मैं तो रोड पर चुके ले हूँ। तो डॉक्टर भी टाइम हो चुके, डॉक्टर मन के होगा अमर सिंह जी पहली बात तो आपने इसको उठाया क्यों और अब आप इसको ब्लड दे रहे हो, ब्लड देने के दौरान आपका कुछ हो गया तो आपका जुम्मेवार कौन है। तो मैं भी ने बताया वे मैं मेरा मानवता का नाता कि उठा लियो, तो ब्लड के बगैर इन्हें मरण भी कौन दिया, मेरे ब्लड ले लो थे अरिंग जिंदगी बचाओ, वो बच गए भी बात मनो जुनून हो मैं सारी जिंदगी पर काम करूंगा। तो बेजक सिख समाज का जो भी अब नाम जाना था नहीं नाम मैंने कौन ध्यान भी वाद का, मैं 10 साल तक हमारी प्रक्रिया चलती रही और मैं मेरा मतलब किया कि समाज और गांव हूँ चोरी छुपे क्यों बीन टाइम ब्लड के प्रतीक भावना बहुत बुरी, लोग डरे बहुत करता, आपका ना आपका छोट के हॉस्पिटल में भाजा करता ब्लड को नाम सुनता ही। तो ब्लड को तो अभी भी आपका लोगों ने बह है, मतलब आज भी लोग डोनेट कौन करे ब्लड आज भी थे देखे होगो सुने होगो, मैं एक मेरी मुहिम चला रखी है और 36 साल हो गया, 36 साल में मैं लगभग मेरे जो कट्ठे भी जानो मैं साइकिल पर सफर करूँ और साइकिल मैं तो मैं पूरी जिंदगी साइकिल पर रहूं, लेकिन युवाओं ने गांव-गांव फिर के मोटिवेट करने वास्ते मैं अब पहले 11,000 किलोमीटर साइकिल को सफर कर रखे वहाँ गांव में जानो तो कि गांव में कैंप पर रक्तदान को नहीं लगड़ो हुआ है, तो बने सिर्फ आई जानकारी देनी कि रक्तदान करने से आपने कोई कमजोरी या किसी तरह की थकान या कुछ भी घबराहट को नहीं हुआ, रक्तदान अपने करना चाहिए। आज तक की अपना बात करा तो मैं मेरे स्तर के ऊपर कोई किंग सहयोग ना ले करिए मैं तो मैं हजारों कैंपा में भाग लिए हुए या मैंने सम्मानित करिए किसी संस्था सम्मानित करिए वह बात अलग है, मैं मेरे खर्चे पर 415 कैंपा को आयोजन अब पहले मैं कर चुके हूँ और 101 बार खुद रक्तदान भी कर चुके हूँ। एक अभी अखबार में भी आई थोड़े टाइम पहला ही बात है, काफी टाइम हो गया थोड़े टाइम तो के कि देवी सिंह जी भाटी है जगह बीकानेर में पूर्व सिंचाई मंत्री और बीटे जी, तो बने थे सुनवाइए कि ब्लड थे तो लियो बने। हाँ, 23 फरवरी 2007 ने मैंने नोर में ब्लड तो लियो और मारो लक्ष्य तो हो के बै तो लीजिए, पर माने एक बहुत बड़ो सौभाग्य मिलियो और बंगो भी बहुत बड़ो सानी दे रहे हो, मैं मतलब बंगो भी धन्यवाद करा के माना भाई तो समय दियो और मैं भी टाइम 7 टीम बुलाई और 1050 पर पहुंचा के कैंप रुक्यो और फिर भी बात गया मां सोनड़ी गांव में बैठे रामेश्वर जी दड़ू है तो वहां मन के होगा मसीह जी एक बार मारो भी जी करे थारा सानी दिया मैं कि भाई मैं देवी सिंह भाटी ने तोल पावा, तो बीन टाइम में मेरे सुदान पर गांव बस बरगी लेके डोंदरांगी और फिर मैं देवी सिंह भाटी ने बैठे तोल पाया। तो अब बात करें ब्लड में तोलन की तो वांगो वजन भी तो ज्यादा हो सी बीटे में आप भी ज्यादा वांगो वजन नहीं वो 350 बोतलों वा तुल गया 350 यूनिट 95 किलो वजन हो बीटे मांगो। अच्छा, तो मतलब 350 यूनिट तुल गया वे हाँ, मतलब मेरे टाइम की भगवान भी सोच लिया हल्का हो गया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया और लोग युवाओं में बीटे में एक मुहिम भी बहुत बड़ी बीटे में उमड़ी।
हाँ, अपने 19 दिसंबर ने अगले आने वाला 19 ने आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा सम्मेलन है और बांगो 1000 यूनिट को लक्ष्य है। वह तो कमल सिंह जी, आपका जो 1050 का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे और आपके सानिध्य में टूटे तो हमें बड़ी खुशी होगी और आप हमारे मुख्य चीफ गेस्ट होंगे, आप उसमें आए। और सबसे मेरे लिए खुशी की यह बात है कि सैंकल पर काट दो जाजपत्र में मौका मिलेगा, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वहाँ युवाओं को, वहाँ मेरे साथियों को, मेरा सागर प्रेम जुड़े जो मैंने आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल होने लग रही है। ब्लड मैन ऑफ इंडिया का नाम उठे जाने जाओ जी, है नी? तो बिंगो थाने मतलब कठू थाने ही नाम नवाजे गयो। 8 दिसंबर 2017 ने मेडिकल कॉलेज कोटा में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ही और बिंगा जिसका चीफ गेस्ट अब है आपने माननीय ओम जी बिड़ला हा भी प्रोग्राम का, तो जटे मन ने भी बड़ा जाने को मौको मिलियो। तो फिर बा मेरे 2.5 घंटा तक इंटरव्यू लियो और फिर बा बी टाइम न्यूज निकाली ब्लड मैन ऑफ राजस्थान, पर बां इन्हें प्रकाशित कौन करी। 27 दिन सर्वे करके पूरे भारत की और बांगो जो को अखबार है 206 देशों में सुनने मिले कि 206 देशों में अमर सिंह जी हमारा ये अखबार निकलता है और आज तक हमारी जो सर्वे है उसके अनुसार आप भारत में सबसे उच्चतम कोटि का काम कर रहे हो। जो आप कर रहे हो, आप जैसा रिकॉर्ड हमें कहीं नहीं मिला। बिल्कुल भी मैं बां 1 महीना बाद में न्यूज निकाली और फिर फोन करियो कि अमर सिंह जी थाने बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत थाने बधाई, आज बाद में थाने ब्लड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जावेगा। और इतो ही कोनी ते गूगल के ऊपर सर्च करके देख लियो ब्लड मैन ऑफ इंडिया, थारी फोटो, थारी आईडी, थारो रिकॉर्ड खुलेगा सारो। तो मने बड़ी खुशी हुई इन बात की। हाँ, मारे बड़ा भाई की गुड़िया ही दापो देवी और बा आज 18 साल पहले कोई कारणवश बीमार रहती बा एक्सपायर होगी और 14 साल की बच्ची ही। तो मैं घर गांगे पूरे परिवार की सलाह लेके टीम ने फोन करियो और टीम आ गई, बिंगी आंख डोनेट करी। पतो चालियो का एक अंध आदमी ने एक आंख देवे और बे 18 सालों दोनों आंख देखने आ रही है। वो मने इतो कम उम्र में किंगी आंख दान करवाई है, वो बहुत ही बड़ो सौभाग्य मिलियो। पहलो सब थे 19 साल की उम्र में जब ब्लड देना स्टार्ट करे हो। हाँ, तो परिवार रोके टोके कौन के, इतनी छोटी सी उम्र है। परिवार गोसानी दे को मिली है एक सराहनीय है, मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है। आज इन काम में चलता चलता मैं मेरे खुद की 3 बीघा तो जमीन भी बेच के लगा चुकी हूँ। आज तक परिवार मना तरफ मेरी तरफ हूँ, मैं मेरे कैंपों जो खर्चा खुद उठाए है और हरियाणा में मिटन प्रोग्राम है भी मैं चौथी जमीन बेच के मेरे टाइम पास करूँ। मेरे दोनों बेटियों वो भी जड़ी करे, कोई मार्कने व्यवसाय आए को कोई साधन को नहीं, फिर बेच के रक्तदान की मुहिम है आई सत्र पर चला रखी है कि एक प्रण ले रखी है कि ब्लड के बगैर कि मरण कौन दी हो जाओ। 23 फरवरी 2007 में लड़के की शादी, तो बिंग लाइन में लिखायो कि मेरे बेटे की बरात में वो आदमी चढ़ेगा जो को पहली रक्तदान करेगा अन्यथा मेरे घर आने को कष्ट ना करे। 114 बरातियां पहले रक्तदान करियो फिर बेटे की बरात दे, आज तक पूरा वर्ल्ड में मैंने देखने को नहीं मिलियो। अच्छा। और इंग सागे सागे 5 अगस्त 2011 ने मारी माता जी को ध्यान तो तो अपने बागड़ी बात समझ की ना पा बारो कह दिया जा रस्म पकड़ी कह दिया 20 दिन भी मैं गरी रक्तदान को कैंप ही लगायो। तो अमर सिंह जी एक धारणा है अपने समाज में समझ लियो, गांव में समझ लियो, देश में कभी खून दिया कमजोरी आवे थे तो ही बहुत तकड़ा वाकई फोर थे करनु। मेरे ख्याल में 100 ऊपर खून दे चुका 100 बार तो इन कोई कमजोरी कोई सुसिस्टम आवे जी। देखो जी, मैं अभी सारे सामने बैठे हूँ और 55 साल की उम्र होगी, कोई युवा हो युवा तकड़ो तकड़ो कोई सोचे कि मैं ज़्यादा काम करी देख लूँ, मैं बिना काम में मतलब जज्बो रखूँगा, मैं बिना राधियों दौड़ में बाज में और मैं और 24 घंटा साइकिल पर रहूँ। आज खारी सुरे में शादी तो भाई मतलब क्या है कि मैं साइकिल पर ही अटेंड करके आया हूँ, मतलब कोई वाहन पर कौन छो। और जलंधर लुधियाने कट्ठे भी मतलब कोई आयोजन हो प्रोग्राम जो है अटेंड करना साइकिल पर ही जाऊँ मैं, तो आ भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल तो बन भी मैं 23 जनवरी ने पिछले साल साइकिल पर ही सम्मानित हो गया बीकानेर हूँ। तो आप सोच सको भी मतलब कोई साइकिल चलानी आसान को नहीं, आजकल जो युवा है खेत में रोटी कौन देगी साहब। हाँ जी, आज के टाइम जी आप देखा हर आदमी कमाई के पीछे धन के पीछे भागे, थे एक बिल्कुल सामान्य परिवार बिलोंग करो और थे वो एक धन के पीछे न बाजगे, एक ही समाज सेवा जुड़े हो, एक खून दान के पीछे जुड़े हो, तो इनको रीजन के कारण भी थे सिस्टम जुड़िया इंग पीछे यहाँ जुड़िया जी। छोटी सी अभी 14 जून विश्व रक्तदान दिवस पर एक बहुत बड़ी सुनने घटना मिली और आधारा माध्यम से मतलब लोगों तक पहुंचे तो और भी बढ़िया बात है। धौलपुर की घटना है, कोई डिलीवरी केस लेके आ गयो और डॉक्टर ने बताया कि इसको 2 यूनिट ब्लड चाहिए। वो बोले जी मैंने 1 घंटा लगेगी ब्लड की व्यवस्था करने में, तो कब वो किया मैं मेरे ससुराल में फ़ोन करता हूँ। अब ससुराल में फ़ोन करियो
दो आदमी बैठू आ गया, क्या बताओ जी क्या बुलाया? बोले दो बोतल खून देने वाजी। कह मैं तो खून कौन दिया, मैं तो पाल दी पोस दी थर लार लगा दी थे खून दियो। कह मैं तो कौन दिया? इं करके सुसरा जुआई में दोनों बहस हुई तो जुआई के काम करो थे उसके चलना डॉक्टर भी गड़बी नहीं पकड़ लिया खड़े पा जाए। कह मारू खून खान कौन दीजिए? तो अभी मुझे पता चला कि कोई मेडिकल कॉलेज में कोई छात्र है जिसका नाम है मुकेश जाखड़ है, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने उनको फ़ोन किया और फिर मैंने तुरंत ही 5 बोतल खून की व्यवस्था कराई, भी बच्चे की जिंदगी बचा पाया। तो आ एक बहुत बड़ो रीजन है, वह लोगों के बीच में जानो चाहूँ कह जगह आपके नहीं आपका कौन दे, फिर दूसरों दूसरे ने क्यों देगो? तो एक सवाल क्वेश्चन मेरो भी है कि जी मान लो खून आजकल खून को व्यापार भी चलना रहे जी, कई तो एक सेवा धर्म करना रहे जी, कुछ एक ईशा भी अपने देश में कह दिया या अपने मतलब धरती पर कह दिया ईशा भी आदमी बैठे जिसका खून ने बेच है वहाँ खतर के सही है चीजा। प्रशांत जी ये आप सवाल बहुत ही अच्छा और बहुत ही पूछ रहे हो, युवा इसमें बहुत भी भटके हुए हैं और पूछना भी चाहिए था ने। ब्लड बैंक के बहुत से लोगों की चार मतलब धारणा है कि जी माने मोल मिलियो, ठीक है, ब्लड की कोई कीमत नहीं है। ब्लड बैंक क्यों कहा गया है? अगर जी मतलब कि एक व्यक्ति ने बिना चार्ज लिए या बिना ब्लड डोनेशन करिए ब्लड देने लग रहे नहीं, तो वह सुरजीत जी जैसे कैंपों का आयोजन करते हैं तो वह सुरजीत जी ने फोन करेगा कि जी आज हमारे पास ऐसा व्यक्ति आया उनके पास ब्लड देने वाला नहीं है, क्या आपके खाते में ब्लड दे दे उनको? तो बताओ सुरजीत जी मना करेगा कि क्योंकि सुरजीत जी का तो एक काम है समाज सेवा करना। तो बिन ने फोन करके बेबी का खाता में निकाल के ब्लड दे दिया, जबकि वो ने सोचा मन ने पीसा मिली हो, ठीक है। और जो पीसा की बात है जिसका ब्लड बैंक का अलग अलग चार्ज रख रखे, हर ब्लड बैंक का एक चार्ज नहीं है, वह अलग अलग चार्ज किया रख रखे है, वह टेस्टिंग फीस के ऊपर डिपेंड करे, ब्लड बैंक जांच कितनी कर रहा है। अधिकतम ब्लड बैंक है जगह छोटा ब्लड बैंक है जगह लोकल में है, मैं 3 जांच पर मतलब करी 3 जांच पर ब्लड चढ़ा दियो और फिर भी बड़ा जगह ब्लड बैंक है मैं 5 जांच करे और फिर भी ऊपर जगह बड़ी बड़ी जांच करे। आज मान लियो आप 20-30 हज़ार रुपये लगा के जांच कराना चाहते, बीती जांच को नहीं हो पा है जो को आपने जयपुर दुर्लभ जी ब्लड बैंक डोनर के प्रतीक की इतनी संवेदना और इतना जोर की जांच है मांगी का आदमी ब्लड डोनेशन करना हो खुश हो जाए, तो बांगी को प्रशंसा कौन करा मांगी आ करा कि बांगे जो को वो मुहिम है और वह क्यों करना है बीती बान ने जो को दान दाता वो फंड आवा है वह बहुत ही बढ़िया सक्षम है जब वह इतनी जांच कर पावे। तो मतलब आप इस चीज ने माना कि जो को ब्लड दान ब्लड रुपया में दान करे वो गलत है या सही है? इस चीज ने केस कहा कि गलत है या सही है? मैं थाना बता दूं थोड़ा सा आंकड़ा हूं, आपने पूरे भारत का मां ब्लड जिसका प्राइवेट ब्लड बैंक है अंग खर्चो हुआ है 1 साल का मां 78,000 करोड़ रुपया, अच्छा ठीक है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार आने कोई योगदान को नहीं, अच्छा समझो नहीं मेरी बात ने। अब ना योगदान होने के बावजूद वह मतलब क्या टेस्टिंग को खर्चो और भी मैनेजमेंट को खर्चो वो टोटल सारो सारो ब्लड वहन करना रहे, अच्छा वो है बाबू पीसा उस तरह। अब कोई कहते पीसा लिया पीसा बह ब्लड का पीसा कौन लेगा कोई? अब मान लो थे कि तनख्वाह रख दियो तनख्वाह भी ने कठो देगा, ब्लड दान करना ब्लड दान कर दियो पर वो ब्लड भी ने जो ब्लड बैंक में सेफ रखना है देखिए कुछ जांचा है प्रक्रिया है बिना कितना लंबे टाइम तक बिना सुरक्षित रखना है वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है ब्लड की। ब्लड में एक चीज याद भी है जी मैंने ब्लड जी मान लो एक ब्लड आप निकाल लियो बिना एक पैकिंग में पैक कर लियो थैली में या जो में पैक कर लियो इंस्ट्रूमेंट बिंग बाद में ब्लड ने खराब होने की कोई संभावना है ब्लड की या कोई खराब होने की संभावना? हाँ जो आप सीधो थैली के मान जो सीधो ब्लड रखे ना भाई जी थैली ले ली बिंग जांच कर रख दिए ब्लड बैंक में बिंग सिर्फ 35 दिन की कैपेसिटी है, 36वें दिन वो खराब हो जाए वो, ठीक है। अब ब्लड खराब को नहीं हो जिया मान लो प्लेटलेट है प्लाज्मा है होल ब्लड है अब बिंग अलग कर दिए नहीं तो जिया प्लेटलेट प्लाज्मा है नहीं प्लाज्मा की तो उम्र मतलब साल तक की बढ़ जाए साल तक खराब को नहीं हुआ और प्लाज्मा की चीज है प्लाज्मा आज जी मान लो कोई भी ब्लड आदमी है आग कोई भी आदमी ब्लड है बिना ब्लड कौन चाहिए बिन ब्लड को पानी चाहिए यानी प्लाज्मा चाहिए बिना और ना सुविधा होने के कारण भी ना ब्लड ही चलाना पड़े भी चलो कुछ प्लाज्मा के रूप में चला जाएगा ब्लड जो वेस्ट चला जाएगा तो यहाँ करके बस सुविधा अपने अटकू नहीं होती भी खतरा है और भी 35 दिन की कैपेसिटी है 36वें दिन वो एक्सपायर हो जाए। फिर मान लो थे वो सवाल बहुत बढ़िया उठाए एक ब्लड बैंक में 1000 यूनिट पड़े और वो यूज को नहीं और 35 दिन में ना होने वाला है तो फिर वह एक काम करे जी मान लो ऐसा ब्लड बैंक है जो कम 1000 यूनिट घंटा में लगे वह बटे सप्लाई कर दे, अच्छा
ठीक है, ठीक है, बिन खराब को नहीं होने दे। जो आदमी आज मेरे साथ एक बार जुड़ गया रक्त दान के प्रति के, वो इतनी जोर की याद रखे तारीख है, अंकल जी, काका जी, दादा जी, मैंने 3 महीना हो गया मतलब कैंप कद है, अगर कैंप नहीं मिले तो वह के काम करेगा, बाइक लेके आ जाएगा और बंग वो ब्लड बैंक में जाके ब्लड दान कराना पड़े। जो को आदमी रक्त की मुहिम जुड़ गई वो नशा से ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएगा और वो याद रखेगा कि मैंने आगे डोनेशन कद करना है। 19 अक्टूबर 2019 में यात्रा शुरू करी पंजाब की, तो मैं लक्ष्य लेके चले हो और मेरे अखबार में बीन टाइम बी न्यूज है कि मैं 21 दिन को लक्ष्य लेके चले हो कि 21 दिन पंजाब में लगाऊंगा, पर मैंने पंजाब वासियों को इतो जोर को प्यार मिलियो और इतो बंगो सानी दे मिलियो कि मैं 45 दिन पंजाब में लगाया और गाँव गाँव में, तहसील तहसील है, जिला जिला में साइकिल पर घूमना और पूरी सर्दी मतलब किया मैं साइकिल पर रहो और फिर हरियाणा में बहुत सौ कवर कर लियो साइकिल पर और अभी मैं कुरुक्षेत्र 21 तारीख ने हरियाणा सम्मानित हो गया हूँ, तो साइकिल पर मेरी मुहिम चलती रहे और पिछले 11 ने मैं दिल्ली में साइकिल पर जा गया हूँ। साइकिल पर गए मन लग गया 8-6 दिन और आंता मन लग गया 4 दिन और सबसे बड़ी बात है कि मैं कठी जाऊँ साइकिल पर जाऊँ तो साइकिल पर ही आऊँ, आप बात को नहीं कि मैंने कटलद्दी के लिए आऊँ, रूट बदल लूँ जानते हो जो 400 किलोमीटर आंती पर जो मैंने 600 किलोमीटर तो मैं कौन जिसको रूट बदल गया क्योंकि नुआ लोगों में मिलना है। तो थे देख्स को अगर रक्तदान शिविर 2020 इतना मेडल थे देख्स को कितना ने मेडल है और ट्रॉफी वगैरह जबकि मिलड़ी है अलग अलग क्षेत्रों में जबकि सिरसा हरियाणा जिया मान लो पंजाब राजस्थान मिलड़ी है ये तो कुछ भी कौन नहीं। अब आगे और दिखावांगा तो अंकल जी पेटी देखना रहे पेटी के अंदर भी थे देख्स को मेडल वगैरह कितना पूरी पेटी अंकल जी बरेडी है पूरी पेटी है सारी मेडल बरेडी सारी टोटली सब सारा मेडल बरेडी है पेटी है सारी सारी तो अरे रखने की जगह कौन और देख्स को मोगा जकी है पंजाब मोगा पंजाब जकी शील्ड आना मिलेडी है पूरा पूरा आ पेटी बरेडी है और भी आंकने एक पेटी और जकी बरेडी है ये पेटी है जकी लकड़ की पेटी 12 फुट की जकी सारी मतलब ये मेडल बरेडी है कितना फुट की है 12 फुट लंबी है सारी सारी मेडल बरेडी है सारी सारी 12 फुट की। तो अमर सिंह जी थे मेडल लगाने को ला रहे बारे बस भाई यही नया मकान बनाया अभी बाद में कोनी कुर्सी कोनी रखे कोनी फिर आपा कदी सोचे ही कोनी भी आपा तो काम करने पर विश्वास रखे भी आपा काम करना बस इन क्षेत्र में उतर के बस। अच्छा अच्छा तो ये मेडल थे अब कदी जरूरत पड़ी तो लगाऊंगा तो बिल्कुल बिल्कुल सजावा तो पूरा सज्जे हुए ना ना नावड़े को नहीं कमरा में देख कमरा में को नावड़े तो इतना का मेडल है क्योंकि काम है काम बोले जी काम करियो आ तो और बहुत अच्छा प्रयास रहा है तो आ जांगे इतना मेडल हो रखे है। थारे गांव में भीषा को ब्लड डोनेटर है तो बताओ मैंने थारे गांव में पहुंचांगा और बिल्कुल बांगी आवाज भी उठावांगा। तो इजाजत दियो मारसा ने मिला था सर नई वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।